महाकाल दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत स्वागत है। आपका प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आपको अच्छा रखे, आपको हमेशा बरकत दे कमाई में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे व्यापार पर किसी ने कुछ काला जादू कर दिया है, या हमारा व्यापार जो है वो चल नहीं रहा है, या कोई आप नया व्यापार डालना चाहते हैं तो उसमें भी ये उपाय अगर कर लेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा कारगर होंगे। तो बहुत से लोगों के कमेंट्स इस विषय को लेकर मुझे हमेशा मिलते हैं कि पहले हमारा व्यापार बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों से किसी ने कुछ कर दिया और अब नहीं चल पा रहा है। और दूसरी बात ये आती है कि हम कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हैं तो क्या चीज़ें ऐसी करें कि जो हमारे व्यापार को चलने में सहायक हो, ऐसा कौन सा उपाय हम करें। और तीसरी बात ये भी होती है कि व्यापार अच्छा चल रहा है लेकिन उतना धन अर्जन नहीं हो पा रहा है। तो ये जितनी भी परेशानी है, मैं आपको वादा करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को पूरा देखना, आपके पास व्यापार के संबंधित ये सभी शिकायतें आपको कभी जीवन में लाइफ टाइम कभी नहीं होगी, और आपके मन में जो भ्रांतियाँ हैं वो भी आपके इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक और पूरा देखें और एक एक बात को बारीकी से समझें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट्स में लिखे जय श्री महाकाल। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप कंसल्ट प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पर है। आप मुझे फेसबुक पर और ट्विटर दोनों जगह फॉलो करें, सर्च करें डॉक्टर रोमचो, आसानी से मैं मिल जाऊंगा। सबसे पहली बात है कि किसी ने कुछ कर दिया है। तो अगर किसी ने कुछ कर दिया है तो सबसे मुख्य वजह होती है कि बहुत से लोग ये कह देते हैं कि भ्रांतियाँ, ऐसा कुछ होता नहीं है या होता है और सच में होता है। तो मैं इस विषय को लेकर ये कहना चाहता हूँ कि अलग अलग किंवदंती, अलग अलग लोगों की अलग अलग मानसिकता है। तो पहली और मुख्य बात है कि अगर वाकई में किसी ने कुछ कर दिया है तो हमारा जो भी व्यापार का स्थल है, जो भी व्यापारिक स्थल है, उस स्थल पर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ आप कर लीजिए। 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ आप अपने व्यापारिक क्षेत्र में कर लीजिए। अब आप रुकिएगा, अब आप घबरा गए होंगे कि 100 बार हम कैसे करेंगे। बहुत से लोगों को ये प्रश्न होगा। उसका सिंपल सिंपल सा एक चीज़ है कि अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें हनुमान चालीसा और उसे कंटिन्यू 100 बार बजा दें, लगातार 100 बार बजा दें उस जगह पर। तो अगर कुछ ऐसा कुछ भी है, देखिए पहली और मुख्य बात है, कोई काला जादू कुछ कर सकता नहीं है, क्योंकि ये जो दुनिया है वो ईश्वर के बस में है, किसी इंसान के बस में कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर लग रहा है तो 100 बार पाठ कर कोई झूठी बंदी महासुख हुई, तो उस व्यापार में अगर किसी ने कुछ तकलीफें डाली होगी तो वो उसकी जितनी भी मनसा है वो विफल हो जाएगी। पहली और मुख्य बात। दूसरी बात है कि व्यापार चल भी रहा है अच्छा, और लेकिन धन अर्जन नहीं हो पा रहा है, उस हिसाब से धन नहीं आ पा रहा है। तो उसके बाद मैं तीसरा कि नया व्यापार शुरू करेंगे तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा। तो उसके लिए आप अपने व्यापारिक क्षेत्र में, अपने जिस भी जगह पर आप व्यापार करते हो, उस जगह पर आप पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगा लें, और जस्ट हनुमान जी की फोटो के सामने श्री राम लिख दें। मतलब जैसे कि लेफ्ट दीवार पे हनुमान जी है तो राइट दीवार, जो जस्ट सामने की दीवार, उस पर राम लिख दें। ये भी बहुत ज़्यादा कारगर होगा। राम आप हाथ से भी लिख दीजिए या कोई प्रिंटेड हो वो भी लिख सकते हैं। और जो नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं वो भी इस उपाय को जरूर करें, और हनुमान चालीसा जो है वो 100 बार कर पाठ करें, उसके बाद चालू करें। जय महाकाल, जय महाकाल।